बीच एक बड़ी खबर, आर्मेनिया अजरबैजान पर इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि अजरबैजान ने अब आर्मेनिया पर सीधा हमला कर दिया है। 3 दिन से जंग उस विवादित इलाके में चल रही थी जिस पर दोनों अपना क्लेम करते हैं, लेकिन अब यह सीधे सीधे आर्मेनिया की टेरिटरी में हमला हो गया है। और कैरन भी इस बात को कह रहे थे, कैरन तो अब नारगोन काराबाख से आगे निकल चुकी है ये बात। जी अभी तो बात निकल चुकी है आगे, ये जुलाई में भी ऐसे हुआ था, जुलाई में भी ताबूश रीजन में आर्मेनिया पे अटैक किया था। ये 94 सीजफायर के बाद पहली बार था, क्योंकि हमेशा ये नागोर्नो काराबाख रीजन में, आर्तसाख रिपब्लिक का रीजन में होता है, लेकिन इस बार तुर्की अजरबैजान खुलेआम आर्मेनिया पे हमला कर रहा है। और ये टर्किश बैकअप जो मिल रहा है उनको, हाँ। ज्यादा उनको चलिए आप टर्किश बैकअप की बात कर रहे हैं, टर्किश बैकअप पर भी आएंगे, लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि अजरबैजान की सेना को खुली छूट दे दी गई है, आर्मेनियाई सेना पर ओपन फायरिंग की खुली छूट अजरबैजान की सेना को, और आर्मेनिया की पूरी मिलिट्री पर वो फायरिंग कर सकते हैं, ये छूट दे दी गई है आर्मेनियाई सेना पर ओपन फायरिंग की। और अजरबैजान ने तो रॉकेट से भी हमला किया है, टैंकों को भी लगा दिया है, आर्मेनिया की पूरी मिलिट्री यूनिट एक पूरी यूनिट बर्बाद कर दी है, विवाद वाला पूरा इलाका छीनेंगे ये अजरबैजान ने कहा है। तो अजरबैजान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है। एक जल्दी से कैरन इस पर भी रिएक्शन आपका। जी गौरव जी, देखिए आपका अजरबैजान का इतना जो भी उनका कहना है, जो ये युद्ध हम लोग ज़मीन पर लड़ रहे हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन युद्ध भी है। और अजरबैजानी डिक्टेटर अलीयेव जो है ना, ये मेनली उनका डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी तो बाइट्स देना उनको बहुत उनका शौक है, क्योंकि उनका सरकार इस पे बेस्ड है कि वो क्या जवाब दे पा रहा है आर्मेनिया में और क्या कर रहा है। इसलिए अजरबैजान में हमला फिर रहा है कि हम लोग इस पोस्ट को लिबरेट किया, इधर इतना लोग आर्मेनिया से मारे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका जितना भी डिफेंस, इतना वो आर्मेनियन आर्मी सक्सेसफुली आर्मेनियन लैंड्स जो भी है डिफेंड कर रहा है, और आज भी वीडियो देखने को मिल रहा है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,